सादगी देखकर भड़के सपा विधायक, ड्राइवर को पहले दी गालियां फिर पीटा, ड्राइवर ने एमएलए पर दर्ज कराया केस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त उजला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। विपक्ष में कई नेता हैं जिनका काम ही है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना। उनमें समाजवादी पार्टी के नेता सबसे पहले नंबर पर आते हैं। सपा के एक और नेता एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं, जिनका नाम है शहजिल इस्लाम, जो सपा से विधायक है। विवादों में आने का इनका ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले तो ये मुख्यमंत्री को गाली देकर सुर्खियों में छा गए थे और एक बार फिर से इनके ही ड्राइवर ने इनकी हेकड़ी निकाल दी है, जहां कार ड्राइवर ने सपा विधायक के खिलाफ STSC में मुकदमा दर्ज कराया है। आज इसी खबर पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं सपा नेता के विवादों में घिरने की वजह को। कुत्ते गाड़ी साफ कर, तुम धोबी कपड़े ही साफ करना जानते हो, गाड़ी नहीं चला पाते, ये बोल हैं एक बड़े पद पर बैठे नेताजी के, जो नेताजी हैं समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा विधायक ने अभद्र बोलों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले तो सपा नेता ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तक धमकी दे डाली थी, और जब उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम पर अपने ड्राइवर को पीटने को लेकर FIR दर्ज हुई है। पीड़ित ड्राइवर का नाम धर्मेंद्र है, जो SC यानी दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है। पिटाई की वजह पीड़ित द्वारा विधायक की गाड़ी को ठीक से साफ नहीं करना बताया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने पीड़ित को जाति सूचक शब्द बोले और जान से मार डालने की धमकी भी दी। शनिवार 28 अक्टूबर 2023 की इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के आधार पर भोजीपुरा विधानसभा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम को ट्रेन से शुक्रवार 27 अक्टूबर 2023 की रात लखनऊ से बरेली आना था। पीड़ित ड्राइवर धर्मेंद्र और विधायक का गनर सलीम आधी रात को ही बरेली रेलवे जंक्शन पहुंचे थे। ट्रेन लेट होने की वजह से वो अगले दिन शनिवार की सुबह पहुंचे। ट्रेन से उतरकर जैसे ही शहजिल इस्लाम अपनी कार के पास आए, वो ड्राइवर धर्मेंद्र पर भड़क गए। ड्राइवर धर्मेंद्र के मुताबिक सपा विधायक ने उससे कहा कि कुत्ते गाड़ी साफ कर, तुम धोबी कपड़े ही साफ करना जानते हो, गाड़ी नहीं चला पाते। धर्मेंद्र ने सपा विधायक द्वारा खुद के खिलाफ बोले जा रहे शब्दों पर आपत्ति जताई। वो सफाई करता जा रहा था, पर विधायक का गुस्सा कम नहीं हुआ। इस बात से भड़के शहजिल इस्लाम ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने धमकी देते हुए कहा कि घर से उठवा लूंगा, जानता नहीं है मुझे। वहीं मौके पर मौजूद सपा विधायक के गनर ने भी ड्राइवर से ठीक बातचीत नहीं की। इसके बाद सपा MLA शहजिल इस्लाम अपने गनर सलीम के साथ गाड़ी लेकर चले गए। उन्होंने पीड़ित धर्मेंद्र को बरेली स्टेशन पर ही छोड़ दिया। इस घटना के तुरंत बाद धर्मेंद्र ने 112 नंबर पर कॉल करते हुए पुलिस बुलाई। फिर मामले को लेकर ड्राइवर ने SSP से मुलाकात की। इसके बाद कोतवाली पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए, लेकिन ये मामला बरेली जंक्शन सर्कुलेटिंग एरिया का था, जिसके चलते बरेली जंक्शन राजकीय रेल पुलिस यानी कि GRP थाने को भेज दिया गया, जहां धर्मेंद्र को GRP थाने भेजा गया। GRP बरेली में धर्मेंद्र ने सपा विधायक के खिलाफ तहरीर दी। फिर GRP थाने में सपा के भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और SC ST की धाराओं में FIR दर्ज की गई। इस मामले की जांच CO GRP करेंगे। वहीं DPSP GRP देवी दयाल सिंह ने विधायक शहजिल इस्लाम पर हुई कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने तहरीर में कहा है कि रात में गाड़ी स्टेशन के बाहर ओस की वजह से भीग गई थी। इसी बात पर शहजिल इस्लाम गाड़ी को गंदा बताने लगे। आरोपी विधायक पर IPC की धारा 323-504 के साथ SC ST Act के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं पीड़ित ड्राइवर ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि आरोपी पक्ष काफी प्रभावशाली है, इसीलिए उनके खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई कर उसके जान माल की सुरक्षा की जाए। हालांकि इस मामले में सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने ड्राइवर से मारपीट से इनकार किया है। उनका कहना है कि ड्राइवर शराब के नशे में था, एक्सीडेंट होने की संभावना थी, इसीलिए ड्राइवर को उतारकर खुद कार ड्राइव करके ले गया था।
पुलिस को जांच करने के बाद मामले में मुकदमा लिखवाना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरों की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मैं पहले दिन की बात पर आज भी कायम हूँ कि ड्राइवर शराब के नशे में था, इसीलिए गनर और कार्यकर्ताओं के साथ खुद गाड़ी चलाकर मैं चला आया था। वहीं बरेली जंक्शन जीआरपी इंस्पेक्टर अजित प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत पत्र के आधार पर सपा विधायक शहजल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, इससे घटना के बारे में जानकारी हो सकती है। कार्रवाई से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। गौरतलब है कि अपने दलित ड्राइवर को पीटने के आरोपी सपा विधायक शहजल इस्लाम का इतिहास विवादों से भरा हुआ है। अप्रैल 2022 में शहजल ने एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर उनकी जुबान खुली तो हमारी बंदूकों से भी धुआं नहीं निकलेगा, गोलियां चलेंगी, परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। फिर सपा विधायक शहजल इस्लाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देना भारी पड़ने लगा, जहां धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद शहजल इस्लाम के साथ ही जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि मामले में तूल पकड़ता देख सपा विधायक ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन इस आपत्तिजनक बयानबाजी के बाद 7 अप्रैल 2022 को शहजल इस्लाम के अवैध पेट्रोल पंप पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। हालांकि इस कार्रवाई का नोटिस शहजल इस्लाम को 2 साल पहले ही मिल गया था। शहजल इस्लाम पर आरोप था कि उन्होंने बगैर नक्शा पास करवाए पेट्रोल पंप का निर्माण करवाया था, जिसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए उनके सीबीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर न केवल बुलडोजर चलवाया बल्कि उसे सील तक कर दिया। इतना ही नहीं, प्राधिकरण की टीम ने पंप पर लगी सीएनजी गैस और पेट्रोल की मशीनों को भी सीज कर दिया था। विधायक पर आरोप था कि उनका पेट्रोल पंप विकास प्राधिकरण से बिना किसी मानचित्र की स्वीकृति पर बना था। कई बार नोटिस भेजकर कंपाउंडिंग कराने के लिए कहा गया था, लेकिन पंप मालिक की तरफ से कोई स्वीकृति नहीं ली गई, जिसके बाद प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर पंप को जमींदोज कर दिया। वहीं विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता राजीव दीक्षित ने बताया कि 2 साल पहले शहजल इस्लाम को नोटिस जारी किया था। साल 2021 में पंप के ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए थे, इसके बावजूद इनकी तरफ से नक्शे के लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई। साथ ही सपा विधायक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का भी आरोप लगा है। इन्हीं आरोपों के बाद पंप जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि उससे कुछ दिन पहले ही शहजल इस्लाम ने सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस बयान के बाद पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के नेता की तहरीर पर सपा नेता संजीव सक्सेना और सपा विधायक शहजल इस्लाम पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली थी। वहीं एक बार फिर से अपने ही ड्राइवर को गाली और मारपीट के मामले में सपा विधायक शहजल इस्लाम पर मुकदमा दर्ज हो गया है, और मुकदमा दर्ज कराने वाला उनका खुद का ही ड्राइवर है। लेकिन सपा विधायक का साफ कहना है कि ये सब कुछ झूठ है। ऐसे में देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।